राम नमस्कार, मैं अंकित गैरला और आप इस वक्त देख रहे हैं लोकार्पण लाइव सेशन पर। लोकार्पण का मैं आपका बेहद बेहद आभार और यहाँ पे स्वागत करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप अभी देख पा रहे होंगे मैं हरिद्वार में मौजूद हूँ, ऋषिकुल के मैदान में मौजूद हूँ इस वक्त, जहाँ पर लगातार चार धाम यात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन तो हो रहे हैं, मगर इन रजिस्ट्रेशनों के पीछे का जो कारण है, जो सच मैं आपको दिखाऊं, जिस तरीके से ये यात्रियों की संख्या उमड़ी पड़ी हुई है, ये देख पा रहे होंगे ऋषिकुल के इस मैदान में किस तरीके यहाँ पे माहौल हो चुका है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, 1 जून से लगातार यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हर एक चारधाम यात्रा में बताया जा रहा था कि ऋषिकुल ट्रांजिट सेंटर से और ऋषिकेश ट्रांजिट सेंटर से लगभग एक जगह धाम में लगभग 3000 तक के लोग जानते हैं, मगर अब एसडीएम का एक नया ऑर्डर आता है थोड़ी देर पहले, 500 और बढ़ा दी गई, यानी कि हर एक धाम में हर एक सेंटर से लगभग 2000 लोग जाएंगे, यानी कि एक धाम में 4000 लोगों का जाने का यहाँ पर अब जो नियम है वो आ चुका है। आप देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, जो भीड़ है, जो उमड़ी पड़ी है, किस तरीके से प्रशासन लगातार इनको संभालने में लगा हुआ है। चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे जो माहौल है, कब से वो आ रखे हैं यहाँ पर और क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आप इस वक्त देख पा रहे होंगे लोकार्पण में, तमाम चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो लोग हैं लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं, कितने दिनों से यहाँ पे हो रखे हैं, कभी कहाँ कूदते फांदते हुए अंदर जा रहे थे, किस तरीके का यहाँ पे माहौल है ये देखिएगा। यहाँ पे धक्का मुक्की का लगातार, कहाँ से कहाँ से आए, हाँ जी कहाँ से आयो, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कब आए थे, कब आए, कब आए, 4 दिन हो गए, क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, वो भी सर अपने हमारा का विचार था, कुछ नहीं कुछ नहीं, लड़की कहाँ से आई, हम परवानी से आए, 3 दिवस हो गए, हम इस लोग को इधर 2 दिवस आ रही नमस के लिए, हम टिकट लेते हैं ऑनलाइन बद्रीनाथ से, 3 दिवस आम्ही इथे बसून आहेत महाराष्ट्र, आम्ही 47 लोक नाही उपस्थित, काय करायचंय मग, लाइव दिखाने का, ये आपको इसलिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके का माहौल यहाँ पे हो रखा है, मुझे लग रहा था कि आपको लाइव दिखाना शायद सही रहेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ऋषिकेश ट्रांजिट दिखाया था किस तरीके से वहाँ पे जो लोग थे परेशान हो रखे थे, लगातार लोगों के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि यहाँ पे धांधली की जा रही है, जो तारीख दी जाती है उस तारीख पे लगातार जो लोग हैं उनको नहीं भेजा जाता है, जो जिनको 10 दिन यहाँ पे हो चुके हैं उन लोगों को भी नहीं भेजा जा रहा है, मगर जो 5 से 6 दिन यहाँ पे अंदर पैसा भरा जा रहा है और उसके बाद हमें आगे रजिस्ट्रेशन, उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है और हमसे पहले यहाँ से चले जाते हैं, मगर एक सौगात तो जरूर आई है इनके लिए, जिस तरीके से अभी एसडीएम साहब ने 500 की तादाद और बढ़ा दी है प्रत्येक जगह पे, भारत से आए वाले 3 दिन है, बहुत खुश हो रहे, तो हमारे को ये नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा, कहाँ तक जाना है आपने, चारों धाम जाना है, 3 दिन से हम आके खड़े, एक दिन जा रहे हैं रात में आके सो जा रहे, फिर भी से जा रहे मारने लग रही, और ऐसा एक बार दो धाम बता रहे, एक बार 3 धाम 4 धाम बता रहे, लेकिन आगे पीछे चल रहा है उनका रिजर्वेशन। अब ये समझिए कि जितनी ये भीड़ यहाँ पर है, प्रत्येक धाम में 500 लोगों ने और जाना है, हाँ जी, हम लोग नेपाल से आए हैं, आज 3 रोज से लाइन में यहाँ पर लग कर मर गया है, लेकिन हम लोग को प्रमाण नहीं मिला है धाम करने के लिए, अभी नहीं मिला, नहीं मिला है, आज 3 रोज से लाइन में लगे हुए हैं लेकिन नहीं हो रहा है, हम लोग नेपाल सुनसरी जिला भोकरा वार्ड नंबर 3 बार आया है। चलिए मुझे लगता है अब हो जाए, क्योंकि 500 की तादाद, मैम आप कैसे हैं, हम खंडवा से आए हैं एमपी से, कितना दिन हो गया हमको, 2 दिन हुआ है चुके हैं, 2 दिन हुआ है अभी आए हुए, आप रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, इतनी दूर से हम लोग कहाँ रुके, कितना वो लगता है पैसे, खाने पीने का क्या है आपका, खा रहे कहाँ खाएंगे हम लोग, व्यवस्था यहाँ पे क्या दी जा रही है, कुछ भी नहीं, हम तो बैठने भी नहीं दे रहे, भगा रहे हैं, तो यहाँ पे भगा रहे हैं, बिल्कुल भगा रहे हैं, अच्छा ये क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये चार धाम यात्रा के लिए ना, जो यात्री लोग हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइन बनाई है, तो अच्छा। वो सब चीजें हैं,
तो गाइडलाइन में क्या क्या आते हैं, अपनी यात्रा की योजना कम से कम 7 दिन के लिए बनाए, यात्रा से यात्रा करने के लिए पूर्व पंजीकरण एवं निवास स्थान सुनिश्चित करें, रात में ठहरने के लिए जगह को पहले सुनिश्चित करें, वातावरण के अनुसार अनुकूल के लिए करें। सर ये सब चीजें तो हो रही हैं, मगर क्या कुछ मिल रहा है आपको? आपने करा था ये सब चीजें? करा था बट कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा है, व्यवस्थाएं क्या मिल रही है? बहुत है और आपको सबको देना चाहिए। बाहर से आ रहे हैं, खत्म हो गया, अभी स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल टाइमिंग फिक्स नहीं है इधर। पहले बोल रहे हो गया जाओ जाओ घर, फिर वापस, और अभी उठा के अभी स्टार्ट कर दिया है। टाइमिंग एकदम एग्जैक्ट कितने बजे से होती है? सुबह 7 बजे का दिया है बट अभी बोला था कि कल होगा, बट अभी स्टार्ट हो गया है एकदम। 7 बजे से लेके और अभी कितनी देर पहले बंद कर दिया? बंद कब कर दिया? एक घंटा हो गया है। मतलब 7 बजे से लेके 11 बजे सर बंद कर दिया गया था कार, ये पूरा रजिस्ट्रेशन। फिर 11 बजे के बाद SDM साहब आते हैं, 500 की तादाद और बढ़ती है, यानी कि 1500 सिर्फ आपके 3-4 घंटे में खत्म हो जाते, यानी कि 500 तो अब तक खत्म हो चुके होंगे। भैया अभी जो है ना ऊपर जो स्लॉट है ना उसी के हिसाब से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ अनाउंसमेंट भी होती है? यहाँ पे अनाउंसमेंट भी होती है इन सब चीजों के, जो व्यवस्थाएं के आप बारे में यहाँ पे बात की। हमारी मेडिकल टीम यहाँ बैठती है और हम लोग सब लोगों का मेडिकल करते हैं कि जो ट्रेजेडी हो रही है ना ऊपर, जो मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, BP वगैरह का और चीजों का ध्यान रखा जा रहा है ताकि जो मेडिकल इशू हो रहे हैं वो कम से कम हो जाए, वो कम से कम हो जाए। चलिए आप तो मेडिकल से, आपसे मैं ज्यादा क्या बात करूंगा, मगर इन व्यवस्थाओं के बारे में जिस तरीके से यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ सारी सारी चीजें लिखी गई, यात्रा के दौरान सूखे मैले बिस्तर आओ अपने साथ ना लेके जाए, मतलब आप समझे ना, सूखे मैले बिस्तर तो तब लेके जाए ना कि जो यहाँ से ऊपर तक पहुंच गए, हालांकि वहाँ पे सारी चीजों को सही व्यवस्था के अनुसार वहाँ पे बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ये लीजिएगा, इसको पढ़िए, समझिए क्या कुछ है, क्योंकि मुझे लगता है इस पेज को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है जो पढ़ा लिखा भी है और जो अनपढ़ भी है। बेचारा जो अनपढ़ होगा उससे बैठ जाना इसके ऊपर, जो पढ़ लेगा थोड़ा बहुत जानकारी लेगा, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं सुनाई दे रहा कहीं भी अनाउंसमेंट ऐसी की जा रही है। और सुबह 7 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाते हैं और 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन खत्म हो जा रहे हैं, यानी कि 1500 लोग एक धाम के लिए सिर्फ 3 घंटे में रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन के लिए बाहर जाते हैं, यानी कि 3 घंटा, यानी कि अब उनको 21 घंटे और इंतजार करना है। खाना पीना रहना ये सारी चीजें कैसे हो रही है यहाँ पे, ये समझ में नहीं आया। थोड़ा सा अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पे माहौल चल रहा है। मुझे लगता नहीं, यहाँ पे देखिएगा सर लास्ट में लगे हुए। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? मैं तो आंध्र प्रदेश से। 500 रजिस्ट्रेशन और बढ़ा दिए, क्या लगता आ जाएगा नंबर इसमें? गारंटी नहीं, गारंटी नहीं, गारंटी नहीं। मैं सुबह 4 बजे तक इधर ही खड़ा है, अभी इधर होता है तो होता है, नहीं तो फिर भी चला गया, क्या करेंगे। कितना टाइम हो गया आए हुए? क्या हुआ, यहाँ आए हुए कितना दिन हो गया? मैं आए को तो 2 दिन होता है। 2 दिन हो गया, 2 दिन से लगातार लाइन पे लग रहे हैं, लाइन पे लगातार 2 दिन में से, यानी कि हर दिन आप चारों धाम करेंगे 15, मतलब 3000 लोग, 3 या 4 4500 लोग आपके हिसाब से ऊपर जा चुके हैं आपके आए हुए से। ऊपर जाएंगे तो अच्छी है। और अभी आपका नंबर नहीं आया, आज लगता आ जाएगा? अरे मेरा का हिंदी पूरा सामने आया। अच्छा अच्छा, आपको हिंदी, आपको क्या लगता आ जाएगा नंबर आज? भैया हम पिछले 2 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन 2 दिन से हमारा यही हो रहा है कि शेड्यूल लेके हम आते हैं यहाँ से, यहाँ से वापस चले जाते हैं, और आज भी हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करवा के जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? कुछ व्यवस्था नहीं भी, कुछ भी नहीं, हम जो अपने होटलों में जो है वहाँ पे स्टे कर रहे हैं और रोज मॉर्निंग में आते, लेकिन रश इतना है कि गर्मी से हम वापस चले जाते, कर क्या आ सकते हैं फिर वापस जाना जी। हम एक तो कितनी दूर से पूरे आए फिर भी आज आप बोल रहा है, वो तो कैसे हो रहा है? कितने लोग आए आप लोग? हम 7-8 लोग आए। 7-8 लोग आए, तो अपनी गाड़ी से आए या फिर? नहीं, हम बाय ट्रेन से आए। बाय ट्रेन से आए, अब यहाँ से गाड़ी करेंगे जाने, अब यहाँ से भी हम कैब करवा के होटल आए, फिर अब यहाँ से कैब करवा के वापस होटल जाएंगे। होटल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से होटल 6-7 किलोमीटर है। 6-7 किलोमीटर, चलिए लगता है शायद, क्या पता कब कैसे किस तरीके से नंबर आता है, मगर एक बार जरूर कहूंगा देखिएगा इस पूरे प्रांगण को, ये प्रांगण छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, लगातार रजिस्ट्रेशन की मार पड़ती भी नजर आ रही है। और मैं कहूंगा अपने सहयोगी थोड़ा धीरे चलिए, आराम से चलिएगा, किस तरीके का माहौल यहाँ पे देखिएगा पूरा का पूरा। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं आपको लाइव सेशन दिखाऊं यहाँ का, मगर आप रिकॉर्डेड भी जरूर देखिएगा, रिकॉर्ड भी करूंगा, रिकॉर्डेड भी दिखाऊंगा, पर इस लाइव सेशन के दौरान आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, धक्का मुक्की लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि मैं यूं कहूंगा एक तरह बिल्कुल चिकित्सा के लिए यहाँ पे इन्होंने अच्छे साधन तो जरूर रखे हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी थी, अभी 2 थी अब 1 है, पता नहीं क्यों 1 होगी ये वहां पर। चलिए जो भी है, पानी पीने की, पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी मिलता है या फिर लेना पड़ता है? मिलता है, मिलता है पानी,
सब मिलता है, सब मिलता है। खाना, खाना बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? हम वेस्ट बंगाल से आया है, किंतु हम तीन दिन से रुका है। খারাপ আছে, এইখানে প্রশাসন কোনো মানি নিছে না। যাবার আমি প্রশাসন কাছে গেলাম, তার দেখা যায় কিছু বলছে না, হবে না, লাইনে দিতে হবে। আমি তিন দিন কি করবো, আমি একাই এসেছি। তিন দিন पैसे खत्म हो चुके हैं, 300 रुपए बचे हुए, क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कहीं जाएंगे। तो मुझे मोटा मोटा समझ में आया उनकी बात, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा में ये बात कही है। मगर क्या कुछ होता है जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अब आपको जो रिकॉर्डेड सेशन में आपको जरूर दिखाऊंगा। हाँ, कुछ और कहेंगे? कुछ और कहना चाहते हैं? और कुछ कहना चाहते हैं? जो है हम बोलना चाहते हैं, जो है रजिस्ट्रेशन घर से करके आओ, यही मत करो, फंस जाएगा। दिन आज ये बोलेगा 1500 हो गया, नहीं होगा, आज बोलेगा ठीक है, अभी बोला 1500 हुआ, हम लोग चला गए खाना, नहीं होगा काल आओ, ठीक है। हम लोग खाना टिफिन करने किया, काल रात से बैठा है 8 बजे से, आज आज कितना बज रहे हैं अभी, 11:30 बज रहे हैं। तो इस टाइम हम खाना खाने गया, सब उठा दिया, लाठी लेके चला गया हम खाना खाने, फिर आया देखा, फिर लाइन बुला दिया, लाइन अभी है बाकी कुछ, तुम लोग लाइन लगाओ। हम फंस गया, हम अभी लाइन में नहीं है, लाइन दिखा दीजिए, अभी लाइन चल रहा है, हमारा कुछ नहीं। हम गया एक दारोगा को बोले, हम ऐसा ऐसा, मतलब पैसा नहीं है, खरा खत्म हो गया, मेरा कुछ उपाय कीजिए। नहीं नहीं, तुम जाओ मुझे लाइन लगाओ। हम कहाँ से, पैसा नहीं है, तबीयत खराब है, क्या करेंगे, अकेले आए हम, बार बार आने हमको मन करेगा। अकेले आए हो? हम अकेले आए हो। चलिए, जल्दी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, इसके दौरान क्या कुछ होता है, कहानी क्या कुछ होती है, बैठे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आए 10 दिन हो गए हैं, अभी मैं आपसे बात करता हूँ, बात कर रहा हूँ। ये देखिएगा किस तरीके का यहाँ पे तमाम चीजें चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आपको अपडेट्स देता रहूंगा, क्या कुछ हरिद्वार के ट्रांजिट सेंटर में हो रहा है, व्यवस्थाओं के नाम पर क्या हो रहा है, किस तरीके का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या ऋषिकेश जैसी व्यवस्था यहाँ पे मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा।